नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे आज के इस वीडियो में। हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि दूध हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, शरीर में कैल्शियम की कमी दूध पूरी कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लाइफ टाइम दूध पीना कितना सही है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि हमें लाइफ टाइम दूध पीना चाहिए या नहीं। बच्चे हो या बड़े, सभी के लिए दूध काफी फायदेमंद माना जाता है। इसके सेवन से कई तरह की परेशानियां दूर होती हैं, इसलिए कई हेल्थ एक्सपर्ट बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों को रोजाना दूध पीने की सलाह देते हैं। ये कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन और फास्फोरस। ये हड्डियां मजबूत करने से लेकर शरीर की अन्य परेशानियों को दूर करने में हेल्पफुल होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दूध हड्डियों के साथ साथ मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने में भी हेल्पफुल होता है। हालांकि दूध का सेवन सीमित मात्रा में करने की सलाह दी जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लाइफ टाइम दूध पीना बहुत जरूरी है? तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जी हाँ, लाइफ टाइम दूध पीना जरूरी है, क्योंकि दूध शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। साथ ही अन्य समस्याएं जैसे मोटापा, दिल से जुड़ी बीमारी, दांतों की समस्या को दूर करने में भी हेल्प मिलती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दूध वेट लॉस में भी हेल्प करता है। शरीर के बढ़ते वजन को कम करने में भी दूध आपके लिए काफी प्रभावी हो सकता है। दरअसल दूध में भरपूर रूप से प्रोटीन मौजूद होता है, जो वजन को घटाने और नियंत्रित करने में आपकी मदद करता है। रोजाना एक ग्लास दूध पीने से बार बार खाने की इच्छा कम होती है, ऐसे में आपको अपने शरीर का वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। दिल से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में दूध लाभकारी होता है, खासतौर पर अगर आप लो फैट मिल्क का सेवन रोजाना करते हैं तो हार्ट डिजीज के जोखिम को आप काफी कम कर सकते हैं। रोजाना एक ग्लास दूध पीने से डायबिटीज के खतरे से बचा जा सकता है। दरअसल दूध में मैग्नीशियम, कैल्शियम और पेप्टाइड्स होते हैं, जो आपके शरीर में ग्लूकोज टॉलरेंस और इंसुलिन सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकता है। दूध का सेवन करने से इसमें मौजूद फैटी एसिड टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम कर सकते हैं। पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए दूध काफी फायदेमंद होता है, ये अपच और एसिडिटी को दूर करने में हेल्पफुल है। दरअसल दूध में एंटासिड प्रभाव होता है, जो अपच और एसिडिटी से राहत दिलाने में प्रभावी है। अगर आप पेट की समस्या से जूझ रहे हैं तो गर्म दूध के बजाय ठंडे दूध का सेवन करें, इससे एसिडिटी से राहत मिलती है। जो लोग लगातार दूध का सेवन करते हैं लेकिन उन्हें कुछ नुकसान देखने को मिल रहे हैं, तो इन बातों का खास ख्याल रखें। लैक्टोज एलर्जी, दूध में लैक्टोज होता है, जो कुछ लोगों को पाचन से जुड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। खास तौर पर जिन लोगों को लैक्टोज से एलर्जी की परेशानी होती है, उन्हें इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इम्यून प्रभावित, दूध से एलर्जी की परेशानी होने पर कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम भी खराब हो सकता है। दिन में 3 ग्लास से अधिक दूध का सेवन ना करें, इससे सेहत को कई अन्य समस्याएं जैसे इनडाइजेशन, गैस और आलस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।